5 दिवसीय दीपावली मेला व्यवस्था की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कर्मस्थली पवित्र नगरी चित्रकूट धाम में आगामी नवंबर माह में परंपरागत तरीके से लगने वाले 5 दिवसीय दीपावली मेला व्यवस्था की तैयारियों को लेकर चित्रकूट स्थित रघुवीर मंदिर में जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और स्थानीय समाज सेवियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक समाप्ति के बाद जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 5 दिवसीय दीपावली मेले के दौरान लाखों की संख्या में तीर्थयात्रियों का चित्रकूट आगमन होता है और तीर्थयात्री मंदाकिनी नदी के घाटों पर स्नान कर मंदाकिनी गिरी परिक्रमा करते हुए मठ मंदिरों का दर्शन भ्रमण करते हैं। इस दौरान 5 दिनों तक एक उत्सव का माहौल होता है। मेले के दौरान तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं जैसे साफ सफाई, लाइटनिंग, पार्किंग इत्यादि मुहैया कराने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस बार कोशिश होगी कि पार्किंग स्थलों को नजदीक बनाया जा सके जिससे कि तीर्थयात्रियों को अधिक पैदल न चलना पड़े। चुनाव आचार संहिता को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा कहा गया कि हम मेले के दौरान चित्रकूट आने वाले तीर्थयात्रियों से निवेदन करना चाहेंगे कि 14 नवंबर की शाम तक सभी भारी लोग अपने घरों को लौट जाएं। मेले के दौरान स्थानीय निवासियों को होने वाली परेशानियों को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में जिला कलेक्टर ने कहा कि स्थानीय लोगों को परेशानी न हो इसका प्रयास किया जाएगा। बैठक में पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता, सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर वी के जैन सहित तमाम विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, साधु संत इत्यादि मौजूद रहे। चित्रकूट से संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। आज जैसा कि हमारी जानकारी में है कि अपने चित्रकूट में दिवाली के समय 5 दिनों का एक बड़ा मेला लगता है जो धनतेरस से प्रारंभ हो जाता है और भाई दूज तक चलता है। उस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु हमारे यहाँ पे आते हैं जो घाट पर स्नान करते हैं, साथ ही परिक्रमा सभी मंदिरों में दर्शन करते हैं। हम उनके लिए बेहतर व्यवस्था दे सकें, उनकी पार्किंग की व्यवस्था बेहतर कर सकें, समय की साफ सफाई, लाइटिंग एंड बाकी चीज़ें, वो एक उत्सव है और एक उत्सव का माहौल यहाँ पे रहे, तो वही प्रयास है सभी का। इसी के लिए आज ये बैठक बुलाई थी जिसमें हमारे जितने शासकीय विभाग हैं, साथ ही जो सामाजिक संगठन है जो यहाँ पर बढ़ चढ़ के इन कार्यों में हिस्सा लेते हैं, उन सभी से सहयोग की अपील की है। कोशिश यही रहेगी हमारी कि हम पार्किंग स्थल मंदिरों से बहुत ज़्यादा दूर ना बनाए, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना ना करना पड़े, बहुत पैदल ना चलना पड़े, और जो भी जितनी भीड़ रहेगी उसके हिसाब से हम व्यवस्था कर लेंगे। निश्चित तौर पर एक वो बड़ा टास्क है क्योंकि चुनाव से 48 घंटे पहले कोई भी व्यक्ति उस एरिया में नहीं रह सकता है जो वहाँ का वोटर नहीं है। हमारे साथ अच्छी बात यह है कि 14 तारीख को हमारा मेला ख़त्म हो जा रहा है और वो टाइम लिमिट हमारी 15 तारीख की शाम से प्रारंभ होगी, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उस समय इस एरिया में ना रहे, तो 14 तारीख के बाद सभी से हम अभी से निवेदन करते हैं कि जो भी व्यक्ति उस समय आए मेले में वो 14 तारीख के बाद अपने गंतव्य स्थलों को चले। उनको निर्देश दिए हैं कि जो बाहर से आ रहे हैं लोग हैं उनके लिए हमें अच्छी से अच्छी व्यवस्था दें, लेकिन लोकल का व्यक्ति परेशान ना हो हमें उसकी व्यवस्था देनी है।